एक्टिंग खोल दी जो के चैनल यूट्यूब आप भी बोल सकते नहीं। यहाँ पे देखिए रैली में जो है कि 87 साल की दादी जी भी यहाँ पे पहुँची नहीं आप बुरासी के धीर भाई ने आपकी वीडियो बनाई थी बहुत है कि अभी अभी पापा की परियों के ऊपर एक गाना निकला है और खंड गांव में इन्होंने कार्यक्रम के दौरान वो गाना तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय देवभूमि उत्तराखंड। एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल का दिन काफ़ी बेहतर था प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम की, लेकिन एक दुखद घटना भी कल हमारे साथ घट गई, जो है कि आप सभी को पता ही होगा। मिनी व्लॉग के जरिए मैंने आपको बता दिया था कि हमारा रॉकी जो है कि अचानक कहीं गायब हो गया था। तो आज सुबह से ही हम लोग लगातार उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कहीं भी कोई पता नहीं चल पाया है। तो मेरे क्षेत्र के जितने भी आसपास के गाँव के हैं, चोपड़ा, छुया, नलाई, मलोन, मरगाँव, अगर आपने कहीं भी ये वाला डॉग देखा होगा, यहाँ पे मैं उसकी फ़ोटो सेट कर दूंगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत हो रही है मेन हाईवे पावो से, जो हमारा पैठानी से पावो वाला हाईवे है वहाँ से। अभी देखिए मेरी तैयारी हो रही है पावो जाने की, और मैं जो है कि चाचा की स्कूटी लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए भगवान भोलेनाथ जी का एक बड़ा सा मंदिर है यहाँ पर आगे। जब भी आप इस वाले हाईवे से गुजरेंगे तो यहाँ पे आपको भोलेनाथ जी की बड़ी खूबसूरत वाली यहाँ पे मूर्ति देखने को मिल जाएगी। इसके पीछे आपको पश्चिमी नयार नदी देखने को मिल जाएगी और खूबसूरत पहाड़ है। कि आज पावो में हमारे जो है कि उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी आने वाले हैं, उनके साथ साथ जो है कि लोक गायिका हेमा नेगी जी भी वहाँ पे आने वाली हैं, इसीलिए मैं पावो जा रहा हूँ। तो पावो के खूबसूरत नज़ारे आज आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ ही देखिए ग्लोबल वार्मिंग का जो है कि असर हमारे पहाड़ों में भी देखने को मिल रहा है। जिस सीज़न में पहाड़ों में मतलब इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी होती थी, इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड होती थी, उस टाइम पे यहाँ पे देखिए उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है जितनी मतलब होती थी एक्चुअल में जनवरी और फरवरी के महीने में। तो दोस्तों, अभी पहुंच चुका हूं मैं पावो में, और यहां पे देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो है कि रैलियां निकलना शुरू हो गई हैं। शायद मंत्री जी अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन क्षेत्र की बहुत सारी महिला मंगल दल की टीमें यहां पर पहुंची हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा तो कल थी, लेकिन आज देखिए पावो क्षेत्र में डॉक्टर धन सिंह रावत के स्वागत में कितने सारे लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ लोक गायिका हेमा नेगी जी भी यहाँ पे कुछ ही समय बाद पहुँचेंगी। तो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ से हम लोग आगे जाने वाले हैं। ठीक वो सामने जो आपको दिख रहा है वो है पावो मार्केट। तो अभी जो रैली है वो पहुंच चुकी है पावो बाजार में। तो जो आपको ये बाजार दिख रहा है ये है पावो बाजार। यहाँ से जो है कि पौड़ी दिल्ली के लिए गाड़ियाँ निकलती हैं। और आज देखिए महिला मंगल दल की कितनी सारी टीमें जो है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। चारों तरफ आप जहाँ तक ही नज़र घुमाएंगे वहाँ तक ही आपको क्षेत्र की महिलाएं ही देखने को मिलेंगी।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी पहुँच चुके हैं और उनके साथ देखिए क्षेत्र की तमाम महिला मंगल दल की टीमें जो है कि उनकी रैली में पहुँच रही हैं। और कितनी लंबी रैली यहाँ से लगी हुई है, आगे से आप देख सकते हैं कितनी लंबी रैली। और देखिए दोस्तों ये रैली नीचे जा रही है, नीचे जो है कि पापों का फील्ड है और वहीं पर कार्यक्रम होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रैली में जो है कि 87 साल की दादी जी भी यहाँ पे पहुँची हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे दूसरी दादी जी भी आई हुई हैं जो उनको पकड़ के ले जा रही हैं। हाँ तो बुढ़िया बुढ़िया को छोड़ देगा बेटा तो फिर बुढ़ी को कौन देगा। सही बात, ऐसा लग मेरी पाओ है वाह, और ना तक इन्हें सास हो है उसके लड़के की उम्र की। अच्छा बस इनका लाना यहाँ जरूरी था, क्यों कि हमारी भारत सरकार बहुत सुरक्षित है, मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया हमारे लिए। मोदी सरकार संतोष बहुत अच्छा लड़का है वो, हमारा लड़का जी, जी, हमारा लड़का जैसी है और हमारा देखभाल कर रहा है जी। तो इतने देखभाल कौन करता है जी, सही बात। बहुत सहायता की मोदी जी हमारी, कोरोना में देख लो, गरीबी को देख लो, रोड का देख लो, लेटरिन बाथरूम का देख लो, सारी सुविधा की छे और आज लोग को दर्शन करान होता एक मोदी का पिछनी साहब और तब मोदी का पिछनी धन सिंह रावत वो भी हमारा पड़ो साहब सरकार है ना, यहाँ बजे हम घुंडा घुसी घुसी गयी की उनसे लोग को दर्शन कर गया। तो अभी जो है कि मंत्री जी का यहाँ पे राजकीय महाविद्यालय पावो में स्वागत किया जा रहा है। सामने देख सकते हैं राजकीय महाविद्यालय पावो की छात्र छात्राएं जो है कि पहाड़ी वेशभूषण में मंत्री जी का स्वागत कर रही हैं। धन सिंह रावत जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, धन सिंह रावत जैसा हो। बोल दो कीप सपोर्टिंग कुलदीप यूके चैनल यूट्यूब। आप भी बोल सकते नहीं सपोर्ट कर लेना इनको, इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट। तो अभी आपका प्रोग्राम है थोड़ी देर शायद, कौन से गाने में? एक और तो यही के आप कॉलेज का वो था, कॉलेज की तरफ से इस ड्रेस में आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू, आपका प्रोग्राम अच्छा जाए, माँ भक्ति से काम न रही। तैयारी एक दिन की भी नहीं है हमारी, तैयारी हफ्ते भी की तो है। हाँ। कोई नहीं, फिर भी अच्छा जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। मतलब मेरा चैनल का नाम कुलदीप यूके प्रोफाइल क्या है? यही है, मतलब सर्च करना यूट्यूब में आ जाएगा कुलदीप यूके। हाँ। जब आप प्रोग्राम करोगे ना तो घबराना मत, ऐसा मत सोचना कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है, फोकस अपने डांस पे रखना। तो क्यों चला दे रील्स देखने के लिए खाली? तो यहाँ पे देखिए हमारी छोटी छोटी भुलियाँ भी हैं, इनका भी शायद अभी थोड़ी देर के बाद प्रोग्राम होगा। तो आप लोगों का भी गढ़वाली गाने में, गढ़वाली? अच्छा, आपको मैंने देखा है पहले कहीं, तो यहाँ पर इनका भी प्रोग्राम है कुलदीप यूके। तो दोस्तों अभी आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे क्षेत्र की होनहार बालिकाओं से। जी हाँ, इन्होंने जो है कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड के ढोल दमाव प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। तो हमारे पास के गांव दुलेत की हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको। आप बुरासे के? धीर भाई ने आपकी वीडियो बनाई थी, बहुत वायरल हुई थी और हमने भी वहीं से आपको देखा था। और आप भी? आप दोनों बहने? आप अलग हो? अच्छा, तो देखिए दोस्तों उत्तराखंड की होनहार बालिकाएं देखिए आज हमारे राज्य का नाम किस तरह से रोशन कर रही हैं। और आज डॉक्टर धन सिंह रावत जी के इस कार्यक्रम में इनको यहाँ पे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही राज्य का नाम रोशन कर दीजिए। और आपको भी अपना नाम बता सकते हैं? चांदनी। और आपके नाम? मनीषा नेगी। और मनीषा ने देखिए अभी स्टेज पर बहुत अच्छा भाषण भी बोला है, तो उसके लिए भी उनका कॉन्फिडेंस कितना अप है। तो ऐसे ही तो बहुत बढ़िया बोली। थैंक यू जी, ठीक है।
दोस्तों अभी कार्यक्रम में हमारी मुलाकात हुई है यहाँ की हमारे क्षेत्र के मतलब युवा गायक हरेंद्र भाई जी से, जिनका जो है कि अभी अभी पापा की परियों के ऊपर एक गाना निकला है और खंडगांव में इन्होंने कार्यक्रम के दौरान वो गाना बोला था। तो इनका गाना जो है कि ट्रेंड पे ले जाइए, उत्तराखंड के लोग गायक हैं, खुद से मेहनत करके गाने को बनाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो इनको सपोर्ट कीजिएगा। तो एक बार आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम हमारे व्यूअर्स को बता दें। हरेंद्र कोहली और मैंने अभी तक 85 गाने निकाले हैं। सानू गाना जो एल्बम हिट हुआ है वो आप लोगों के प्यार से हुआ है। उसके बाद मैंने तुजनी बांध बनाए रामा कंपनी के लिए, वो हिट हुआ है। फिर मैंने मेरी प्यारी रुक जा धोपली को सजू, वो भी आपने डीजे में सुना। अब मैंने अपनी आवाज में पापा की परी जो 2024 डीजे सॉन्ग है वो निकाला है। और अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और उस चैनल का नाम है हरेंद्र कोहली ऑफिशियल। तो एक बार जरूर आप भाई जी का चैनल चेक करिए, खुद से मेहनत करके गाने निकालते हैं आपके लिए पहाड़ों के खूबसूरत। नए कलाकार को अगर लाना है, गाना है, गायक है, मैं करता हूँ सबका। ठीक है, जरूर जरूर आप लोग इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब पापा की परी, धन्यवाद। ठीक है ठीक है। तो अब अगला कार्यक्रम उत्तराखंड की लोक गायिका हेमा नेगी जी आने वाली हैं। और हमारे बीच हेमा नेगी क्लासी जिनका स्वागत यहाँ पर माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह जी के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं जी। नमस्कार नमस्कार। माननीय धन सिंह रावत जी को मैं दिल की गहराइयों से अपनी पूरी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर दो। आप सभी लोगों की आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से उनको मनोबल और ज्यादा बढ़ी जा दो। तो जब आपकी तालियों की गड़गड़ाहट होगी तो आदमी का भीतर एक जोश अंदर उभरेगा और ही अच्छा काम कर दो। जोरदार ड्राइवर मंत्री जी का वास्ता बजा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त कर दो ये जिले की जो प्रथम नागरिक छिन्न श्रीमती शांति I'm not afraid of the dark.
फाइनली दोस्तों अभी 4 बज चुके हैं और कार्यक्रम जो है कि समाप्ति की ओर पहुंच चुका है, जो है कि हेमा नेगी जी के द्वारा बहुत सारे वहां पे गीत बोले गए और लोगों के द्वारा बहुत खूब नृत्य वहां पे किया गया। तो इसके बाद अभी चलते हैं घर और आज मैं आपकी मुलाकात करता हूं हमारे क्षेत्र के एक और यूट्यूबर से, हमारे भाई अरुण से। तो अरुण भाई एक बार अपने चैनल का नाम बता दो। मेरे चैनल का नाम है पहाड़ी बुला। हाँ तो सपोर्ट करना ऑल गाइस और कुलदीप भाई को भी खूब सपोर्ट करें भाई जी। तो देखिए अरुण भाई भी पहाड़ी लाइफ स्टाइल की ब्लॉगिंग करते हैं, तो एक बार उनके चैनल में विजिट कीजिएगा और जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? आपका प्रोग्राम नहीं था? नहीं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? जरूर कुलदीप यू के, कुलदीप यू के। तो आप ही कर दो शुरू नेट कुलदीप यू के, कुलदीप यू के। ये की पढ़ता तुम कॉलेज? यहाँ पे जो सामने आपको दिख रहा है ये है पाबो का फील्ड और यहाँ पे ही कभी कभी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। सामने देखिए सूरज देवता ठीक वहाँ पहुँच चुके हैं और वहाँ पे हो रहा है कार्यक्रम। अभी जो है कि एक दो गीत और बोलेंगे तो उसके बाद हो जाएगा कार्यक्रम समाप्त। तो चलते हैं हम भी, क्षेत्र की सभी महिलाएँ जो है कि चल चुकी हैं अपने घर के लिए। तो दोस्तों फाइनली मैं उसी जगह में पहुंच चुका हूं जहां से इस ब्लॉग की शुरुआत हुई थी। जी हां, उसी जगह में जहां पे भगवान शंकर की प्रतिमा है और ये है जो कि दिल्ली वाला हाईवे है हमारा बेला से दिल्ली जाने का। तो उत्तराखंड का खूबसूरत ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और सनसेट का अभी समय हो रहा है तो पहाड़ों के पीछे देखिए नज़ारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सामने पश्चिमी नया नदी बह रही है। तो होपफुली आपको हेमा नेगी जी के गीतों का ये छोटा सा ब्लॉग जो है कि भाई पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को दी वीडियो को सब्सक्राइब करना।